Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 3 playing with number, and topic is test for divisibility. It means how to number, is it divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6. It means आज हम divisibility test के rule को study करेंगे. First of all, if a number is divisor of second number, if a number is divisor of second number, if a number is a divisor of second number, then the second number is, then the second number is divisible by first number. If a number is divisor of second number, अगर कोई number आपके पास है जो divisor है दूसरे number का, if a number is divisor of second number, then second number is divisible by first number. अगर आपके पास कोई दो number हैं, मान लिया first number A है, second number B है, तो if a number is divisor of, ये आपका divisor है, ये divisor है, और if a number is divisor of second number, ये मान लो first number है, ये मान लिया second number है. A is first number and B is second number. If a number is divisor of second number, then second is number is divisible by first number. तो second number first का divisible करेगा. Second number को first क्या करेगा? Second number divisible होगा first number से. यही तो write किया मैंने. If a number is divisor of second number, अगर कोई पहला नंबर दूसरे का डिवाइजर है तो दूसरे को पहला क्या करेगा? डिवाइड करेगा. यही तो लिखा है. नेक्स्ट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहां जो लिखा जाता है, अगर जब हम डिवाइड करते हैं, मान लो 25 को डिवाइड करना है 5 से, ओके, तो 5 यहां लिखेंगे और 25 यहां लिखेंगे. तो ये क्या है? इसको बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे डिविडेंड. इसको बोलेंगे क्वेशन, इसको बोलेंगे यहां पर जो आएगा वो बोला जाएगा रिमाइंडर. इट मीन्स जब हम दो नंबर मेरे पास हो, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर को, तो कुछ क्वेश्चन आएगा जो यहां होता है, नीचे जो बच जाता है रिमाइंडर हो जाता है. आर आर जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है. अगर जीरो हो गया इट मींस एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, जीरो नहीं हुआ इट मींस एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है. इट मींस 5 से 5 का अगर हम, ये क्या है 25 है, क्या 25 डिविडेंड, और 5 क्या है डिवाइजर. तो ये डिविडेंड, ये क्वेश्चन, यहां रिमाइंडर 5 5 सा 25 रिमाइंडर, यहां क्या मिलेगा रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा. हेंस ये आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है. अगर रिमाइंडर 0 मिला इट मींस एग्जैक्टली डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. तो हर एक क्वेश्चन को हम डिवाइड करके थोड़ी चेक कर सकते हैं, ओनली पहले पता चले कि वो 5 से डिवाइड होगा, कि वो 2 से डिवाइड होगा, कि 3 से डिवाइड होगा. गिवन नंबर जो डिविडेंड है हमारा, जो डिविडेंड है वो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा. इस रूल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या रूल है, कितने रूल है? आई हैव मेनी रूल्स. फर्स्ट रूल टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पहले पढ़ ली, इफ ए नंबर इज डिवाइजर ऑफ सेकंड नंबर, कोई एक नंबर है जो दूसरे का डिवाइजर है,
तो दूसरा क्या होगा, डिविजिबल होगा फर्स्ट से, देन कंप्लीट इज कंप्लीट, तो स्टार्ट डिविजिबिलिटी बाई टू। कोई भी नंबर टू से डिविजिबल होगा या नहीं होगा इसके रूल क्या है, इसका रूल है इफ ए नंबर है यूनिट प्लेस डिजिट, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट पे जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, इट मींस इवन नंबर है, इट मींस इफ यूनिट प्लेस डिजिट नंबर इज इवन देन नंबर इज डिविजिबल बाय टू। ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू, ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ यूनिट्स प्लेस, इफ यूनिट्स, इफ यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस डिजिट आर जीरो वन जीरो टू सॉरी टू फोर सिक्स एट, दैट्स क्लियर। इट मींस कोई भी नंबर अगर है उसमें यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस मींस वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, इफ वंस ओ आर, इफ वंस आर यूनिट प्लेस डिजिट आर जीरो टू फोर सिक्स एट द नंबर इज डिविजिबल बाय टू। फॉर एग्जांपल यस 01005 0 yes divisible by 2 yes right divisible by 2 right but 00542 divisible by 2 yes 018597 divisible by 2 no nahi divisible hoga kyun unit place ke liye hai 7 नेक्स्ट 18594 डिविजिबल बाय 2 यस क्यों वंस प्लेस पे क्या है 4 वंस प्लेस पे क्या था 2 तो डिवाइड वंस प्लेस पे क्या था 0 टू डिवाइड अब हम कहें 59 डिविजिबल बाय 2 नो बिकॉज़ वंस प्लेस क्या है 9 है यहां वंस प्लेस पे है क्या 9 यहाँ वंस प्लेस पे है क्या 7 इसलिए डिविजिबल नहीं हो रहा है तो अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 है 2 है 4 है 6 है तो वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा इट मींस रिमाइंडर 0 मिलेगा दैट्स क्लियर नाउ नेक्स्ट नंबर 2 डिविजिबिलिटी बाय 3 द सम ऑफ रूल द सम ऑफ ऑल डिजिट is divisible by 3 if the sum of if the sum of all digit is divisible by 3 then number divisible by 3 that's clear it means कोई अगर number है वो 2 digit का number हो सकता है वो 3 digit का number हो सकता है वो 4 digit का number हो सकता है तो वो 5 digit का number हो सकता है कितने भी digit का number है उसके सभी digit को हम sum करेंगे the sum of all digit the sum of all digit it means सभी digit को हम add करेंगे अगर वो digit का एड जो सॉल्यूशन मिला एडिशन करने पर जो नंबर मिला वो 3 से डिवाइड होता है इट मींस गिवन नंबर इज डिवाइड बाय 3 एग्जांपल 72 3 से डिवाइड होगा अब 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 तो यस डिवाइड हो जाएगा यस है ना सम ऑफ डिजिट हो गया 7 प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया सम ऑफ डिजिट
is equal to 7 plus 2 is equal to 9, तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 देखिए, 75 या 85 कर दो तो क्या है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, नॉट डिवाइड, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3। इट मींस इसके डिजिट को ऐड किया, 85 जो है इसके डिजिट को ऐड किया तो मुझे 13 मिला। अगर डिजिट को ऐड करने पर 13 मिल गया, इट मींस ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो थर्ड एग्जांपल देखें, 11547, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चेक करते हैं। 7 प्लस 2 या 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 112257, 7 14 टू 16, ये कितना मिल गया, 16, नॉट डिविजिबल बाय 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हेंस ये भी 3 से डिवाइड नहीं हुआ। इट मींस 3 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, सभी डिजिट को ऐड करो, द सम ऑफ ऑल डिजिट, thus if the sum of all digits is divisible by 3, then number is divisible by 3। अगर सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। दैट्स क्लियर, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ये क्लियर हो गया। अब देखो सबसे आसान, अगर कोई नंबर इवन नंबर से डिवाइड होगा, इवन नंबर से डिवाइड होगा, इट मींस 2 से तभी डिवाइड हो सकता है जब वंस प्लेस पे ये डिजिट आए। अगर वंस प्लेस पे ये डिजिट आता है तो समझो 2 से डिवाइड हो सकता है, अगर ये नहीं आता है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल, सब डिजिट को ऐड कर लो, द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सब डिजिट को ऐड करके हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी बाय 4, इट मींस ए नंबर इज डिवाइड बाय 4 व्हेन एंड ए नंबर इज डिवाइड बाय 5 व्हेन, इट मींस एक नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, एक नंबर 5 से कब डिवाइड होगा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय a number is divisible by 4 if its ones and tens place digit, if ones and tens place digit is divisible by 4. Example 712, last two digit यहां पर मैं देखूं, ये लास्ट टू, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, और वंस टेंस इसका मतलब 1 2 क्या है, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, दैट्स क्लियर। क्यों, लास्ट टू डिजिट क्या है, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 12 4 से डिवाइड होता है। फिर मैं देखू सेकेंड एग्जाम्पल, 8105, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो लास्ट टू डिजिट चेक करो, क्या लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड होगा, नहीं एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, क्यों, 05 केवल 5 लिखा हुआ है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। बट मैं एग्जांपल सेकंड लिखूं, एग्जांपल थर्ड नंबर, ये तो एग्जांपल 2 था, एग्जांपल थर्ड में लिखता हूं तो क्या होगा, मान लो 1004, अगर ऐसा नंबर लिखा है तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा। अब देखो वंस प्लेस और टेंस प्लेस को चेक करो, वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे क्या लिखा है, केवल 4, कुल मिला के 4 लिखा हुआ, इट मींस डिवाइड बाय 4। एग्जांपल और मैं बोलो 2556 डिवाइड बाय 4,
तो लास्ट टू डिजिट इज डिवाइड बाई फोर, यस, क्योंकि 14 फोर जा 56, इट मीन्स 56 डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो लास्ट टू डिजिट इट मीन्स वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे क्या है 56 है, वंस और टेंस प्लेस, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस डिजिट को मिला करके हमें क्या मिला 56, और 56 किससे डिवाइड हो जाता 4 से, इसलिए क्या हो जाएगा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कभी भी 4 से डिविजिबिलिटी रूल आपको स्टडी करना हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट को चेक करेंगे, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, अगर वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट को नंबर को मिला करके वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, अगर वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट दोनों को मिलाकर जो नंबर बना वो 4 से डिवाइड होता है तो हम कहेंगे ये नहीं इक्वल 5, नो, वंस और टेंस दोनों को मिला करके, वंस और टेंस दोनों को मिला करके, वंस और टेंस दोनों को मिला लें, वंस और टेंस को दोनों को मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है 4 से डिवाइड होता है, जबकि 6 केवल देखा जाए तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा नहीं, बट दोनों डिजिट को मिलाए तो क्या हो गया 56, क्या हो गया 56, इसलिए 56 4 से डिवाइड होता है, इसलिए 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी रूल एक बार मैं फिर से बताऊंगा, वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट को मिलाकर जो नंबर बनता है अगर वो 4 से डिवाइड है तो बड़ा सा बड़ा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। लास्ट 5 से, इफ ए नंबर इज divisible by 5 if its units place digit are zero or five। That's clear? अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड तब होगा, ए नंबर इज डिवाइड बाय 5 व्हेन यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5, ए नंबर इज डिवाइड बाय या डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट आर 0 और 5, या तो 0 हो या तो 5 तभी होगा। That's clear? अब चलो अगर मैं पूछूं 115 डिवाइड बाय 5 तो आपका जवाब क्या होगा, यस, क्यों, यूनिट प्लेस भी क्या है 5 है, अगर मैं पूछूं 1150 क्या 5 से डिवाइड होगा तो आपका आंसर होगा यस, क्यों, वन यूनिट प्लेस भी क्या है 0, दैट्स क्लियर। लेकिन मैं लिखूं 8151 डिवाइड बाय 5 तो आप कहेंगे नो, क्यों, यूनिट प्लेस भी है क्या, ये 1 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस भी 1 है इसलिए डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 5 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5, अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज क्लियर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, व्हाट डू मीन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, 6 है, 6 का मल्टीपल क्या है, 6 के फैक्टर क्या है, 6 के फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, इट मींस कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड है तो 6 से डिवाइड होगा, सिंस फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 2 3 6, दैट्स क्लियर। तो फैक्टर ऑफ 6 इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 2 3 6 हो गया, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिवाइड बाय या डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, इफ इट इज divisible by 2 and 3 both, it means कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, जब वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, that's clear, clear हो गया। अब हम कहेंगे that is, इसका मतलब क्या हुआ,
it means that is last unit place digit, unit place digit 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए and sum of digit is equal to multiple of 3. That's clear. अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो उसके रूल क्या है, वो 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो. क्यों? क्योंकि 6 is equal to 2 into 3. A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both. अगर वो 2 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी डिवाइड हो जाए तो इट मींस वो नंबर 6 से डिवाइड होगा. अब 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस पे क्या हो बोलो, यूनिट प्लेस पे 0 है 2 है 4 है 6 है 8, तो 2 से डिवाइड हो गया. और सम ऑफ ऑल डिजिट इट मींस ये दोनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रही है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट 7. नेक्स्ट 6 पॉइंट, डिविजिबिलिटी ऑफ 6. इट मींस ए नंबर इज डिवाइड बाय 7 व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 7 व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लास्ट डिजिट. हम किसी नंबर की लास्ट डिजिट इट मींस वंस प्लेस डिजिट को लेंगे, उसका डबल करके एक बार जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और अगर ऐसा माइनस करने पर जो रिजल्टिंग नंबर मिलता है अगर वो 7 से डिवाइड है इट मींस ए नंबर इज डिवाइड बाय 7. नाउ टेक द लास्ट डिजिट, टेक द लास्ट डिजिट. व्हाट डू मीन लास्ट डिजिट? इट मींस वंस प्लेस. टेक द लास्ट डिजिट इट मींस वंस प्लेस डिजिट, डबल इट. उसका डबल कर दिया. टेक द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को क्या बोलेंगे, वंस प्लेस डिजिट, डबल इट, देन सब्ट्रैक्ट द रेस्ट रेस्ट ऑफ द नंबर टेक द लास्ट डिजिट इट मींस वंस प्लेस डिजिट, डबल इट, उसको डबल करो, देन सब्ट्रैक्ट द रेस्ट ऑफ द नंबर. इफ द रिजल्टिंग नंबर इज इवनली जब कभी डिविजिबल बाय 7 then number is divisible by 7 by 6. It means our example कैसे है, मानो 63 है, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? मैं example हूं yes 63 is divided by 7 yes, but कैसे इस रूल को कैसे फॉलो करेंगे? हमने कहा वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 3, डबल इट इसको डबल करेंगे तो 3 2 6 6 हो जाएगा. अब फिर थर्ड में से क्या सब्ट्रैक्ट रेस्ट ऑफ नंबर अब रेस्ट ऑफ नंबर अगर हमने 3 ले लिया, देखो एग्जांपल में बताऊं, एग्जांपल नंबर 63 इज डिवाइड बाय 7 श्योर निश्चित रूप से 7 से डिवाइड होगा, बट इस रूल को फॉलो करना है, इस रूल को वेरीफाई करना है. 3 वंस प्लेस पे है, इसका 2 टाइम किया तो वंस प्लेस डिजिट इज 3, 2 टाइम किया 6 हो गया. अब रेस्ट ऑफ द नंबर, जो रेस्ट ऑफ द नंबर है उसमें से माइनस कर दो, रेस्ट ऑफ द नंबर इसका मतलब
6 में से 6 माइनस कर दे, 0 हो गया, क्या 0 को 7 डिवाइड करेगा? यस, 0 इज डिवाइड बाय 7, तो यस यस इस यस 63 इज डिविजिबल बाय या डिवाइड बाय 7, दैट्स क्लियर। तो कोई भी नंबर 7 से डिवाइड कब होगा? जब उसकी वंस प्लेस डिजिट को हम 2 टाइम करेंगे, रेस्ट ऑफ द नंबर में से माइनस करेंगे, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिवाइड होगा। और भी एग्जांपल एक हम देते हैं, एग्जांपल 1 क्लियर हो गया, एक एग्जांपल और दे देते हैं, एग्जांपल एक एग्जांपल और 154 एग्जाम्पल 2, क्या 154 आपका 7 से डिवाइड होगा? क्लियर, यस और नॉट? अभी कैसे पता करेंगे? अब रूल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वंस प्लेस पे है क्या 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2, क्या मिलेगा 8। अब 8 को किसी में माइनस करेंगे? रेस्ट ऑफ नंबर, रेस्ट ऑफ नंबर क्या है 15, रेस्ट ऑफ नंबर इज 15, तो 15 माइनस 8 is equal to 7, it means ये 7 जो आया वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, it means ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, that's clear। next, divisibility of 8, कोई भी नंबर 8 से डिवाइड कब होगा ये मुझे identify करना। a number is divisible by 8 when a number is divisible by 8 when a number is divisible by 8, a number is divisible by 8 कब, when, कब, ones place, tens place and hundred place, ones, tens, hundred, इन तीनों digit, इन तीनों place को मिलाने के बाद जो number मिलता है अगर वो 8 से divide है तो given number is divisible by 8, clear? वंस टेंस हंड्रेड, इन तीनों प्लेस के डिजिट को मिला करके जो नंबर बना अगर वो 8 से डिवाइड है, इट मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, दैट्स क्लियर। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म, इफ द नंबर फॉर्म, इफ द नंबर फॉर्म By the digit at the hundreds, tens and ones place digit divisible by 8, then the number is divisible by 8, that's clear। एक बार फिर से बताऊंगा, a number is divisible by 8, एक number 8 से divisible होगा if the number formed by the digit at 100 place, tens place and ones place the digit is divisible by 8, किसी number के ones, tens और 100 place पे जो digit हैं उनको मिला करके जो number बना अगर वो number 100, tens और यूनिट प्लेस के डिजिट के नंबर को मिला करके जो नंबर बना अगर वो 8 से डिवाइड है, इट मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, दैट्स क्लियर। सपोज दैट 8 से डिविजिबिलिटी मैं पूछूं, 886 ये नंबर लिखा है, तो क्या 8 से डिवाइड होगा? ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे? नो, नहीं डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। बट मैं लिखूं
वन टू थ्री फोर फाइव एट, ये तीनों एट से डिवाइड होंगे। अब इसको अगर ये तीनों लास्ट डिजिट एट फाइव फोर फाइव एट इज डिवाइड बाई एट, एट फाइव एट फाइव जा फोर्टी फाइव आ गया, एट नो नहीं नो, ये भी एट से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। लास्ट डिजिट लास्ट के थ्री डिजिट, इट मींस वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस को मिलाने के बाद क्या एट से डिविजिबल है? नहीं है, तो नहीं होगा एट से डिवाइड। तो फिर एट से डिविजिबल रूल हम कैसे चेक करेंगे? 207 607 608 क्या ये 8 से डिवाइड होगा? अब चलो इसको चेक करो, ये वंस प्लेस के हैं, तो हम क्या करेंगे? 6 वंस टेंस हंड्रेड इट मीन 608 डिवाइड बाय 8 7 जा 56 4 कैरी फिर 8 आ गया 86 जा 48 इट मींस यहां रिमाइंडर मुझे क्या मिल गया? 0 hence is divided by 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल मुझे क्या करना है? 100 tens and ones इन तीनों प्लेस के डिजिट को मिलाने के बाद जो नंबर मिला अगर वो नंबर 8 से डिवाइड है द नंबर इज डिवाइड बाय 8। क्लियर? नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, द सम ऑफ इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय एट नाइन, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर? अगर कोई नंबर है उसके सभी डिजिट को ऐड कर लो, सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, अगर वो 9 से डिवाइड होता है, डिजिट को प्लस करने पर 9 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगा। एग्जांपल एग्जांपल मैं पूछूं 118 क्या 9 से डिवाइड होगा? तो 1 + 1 + 8 10 इज इक्वल टू 10 नॉट डिवाइड बाय 8 तो ये भी नहीं होगा। एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू 10018 क्या ये 9 से हो जाएगा? तो अब हम डिवाइड बाय 9 तो 1 + 0 + 0 + 8 इज इक्वल टू 9, यस 9 आंसर 1 तो ये डिवाइड हो जाएगा। इट मींस ये आंसर क्या होगा? ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, क्या करना है? सभी डिजिट को ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 द नंबर इज आल्सो डिवाइड बाय 9। क्लियर? अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 बहुत ही इजी है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 बहुत इजी है। अब 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? बहुत आसान है, इफ यूनिट प्लेस if unit place digit must be, if unit place digit is 0 then number is divisible by 10। बहुत आसान है, कोई नंबर 10 से डिवाइड कब होगा? जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। तो जैसे मैं पूछूं 505 क्या डिवाइड होगा 10 से? नहीं। बट मैं कहूं 10050 क्या ये डिवाइड होगा 10 से? आप कहेंगे यस। फिर 3250 डिवाइड होगा 10 से? यस। तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 है इट मींस 10 से डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है इट मींस 10 से डिवाइड नहीं होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, एक नंबर 11 से डिविजिबल होगा व्हेन इट्स सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑल
ऑड प्लेस डिजिट, इट मींस कोई भी नंबर जितने डिजिट का है उसके इवन प्लेस के डिजिट को हम ऐड करें और ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड करें, फिर ऐड करने पर जो आया उसका हम डिफरेंस फाइंड करें, अगर डिफरेंस या तो जीरो है या 11 का मल्टीपल है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 11 से डिवाइड नहीं होगा। लेट्स डिफाइन नाउ, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, एक नंबर 11 से डिविजिबल होगा इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ its digit in odd places, अब चलो कोई नंबर लेते हैं odd places and the sum of its even places starting from right, either 0 or divisible by 11, it means एक नंबर 11 से divisible होगा, हम उसके even place के digit को add करें और फिर odd place के digit को add करें, फिर difference find करें, अगर difference या तो 0 है या 11 का multiple है तो number 11 से multiple divide होगा, otherwise no, for example 1, तो हम क्या करेंगे 1, 3, 3, 1, क्या ये 11 से divide होगा, अब चलो इवन प्लेस डिजिट सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस के क्या है 1, 2, 3, 4, इवन प्लेस डिजिट मीन्स 3, दूसरे प्लेस पे सेकेंड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे क्या है 1, तो 3 + 1 = 4, अब सम ऑफ odd places digit, odd place digit, it means odd places 1 and 3, odd place 1 and 3rd position, first position and third position, it means 1 + 3 = 4, difference find karein aur difference is equal to ho kya gaya 4 - 4 = 0, hence 1, 3, 3, 1 is divisible by 11, it means 11 से divide हो जाएगा। Next मैं example लेता हूँ, example second example देखो 6, 4, 6, 4, 5, 7, अगर मैं पूछूं ये किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट क्या होता है ऑड नंबर, सेकंड क्या होता है थर्ड इवन नंबर, थर्ड ऑड नंबर, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, तो ऑड प्लेस पे क्या है 7 और क्या है 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पे 7 + 4 = 11, ओके, अब फिर सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज इक्वल टू इवन प्लेस 5 and 6, 5 + 6 इज इक्वल टू 11, डिफरेंस difference is equal to 11 minus 11 is equal to 0, hence 6, 4, 5, 7 is divisible by 11, clear, it means कोई भी number 11 से divisible कब होगा, जब उसके even place के digit को add करेंगे, odd place के digit को add करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस अगर हम फाइंड करते हैं वो 0 आता है या 11 से डिविजिबल नंबर आता है तो नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा, इट मींस 6457 इज डिविजिबल बाय 7, 6457 इज डिविजिबल बाय 7, व्हाई, बिकॉज़ सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस पे क्या क्या है, बस ऑड प्लेस ए भी है ऑड प्लेस सी भी, इन्होंने डिजिट को ऐड करेंगे तो 7 फॉर 11 आ गया, अब सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इन दोनों को ऐड किया 11 आ गया, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया 0 मिल गया, इट मींस ए 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देखता हूं,
संभव देखें थ्री, मैं कह लू 9, 5, 9, 8, 6, 9, 8, 6, क्या ये 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा या नहीं, यही फाइंड करना है। तो सम ऑफ इवन या ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, तो ऑड प्लेस पे 6 फर्स्ट, थर्ड पे क्या है 9, फिर फिफ्थ पे क्या है 9, इट मींस 9, 9, 18, 18 और 6, 24, क्लियर। अब फिर सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट, इट मींस सेकंड पोजीशन पे हॉट, स्टार्ट फ्रॉम राइट, राइट से राइट से स्टार्ट करना, राइट हैंड से स्टार्ट करना, 8, 8 के बाद 5 इज इक्वल टू 13, डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस (24 - 13) = 11, हेंस 11 आ गया। अब 11 11 से डिवाइड हो जाएगा, इट मींस हेंस 9, 5, 9, 8, 6 is divisible by 11, that's clear, it means कोई नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, उसकी ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड करो, स्टार्ट कहां से करना है, राइट हैंड से, इट मींस वंस प्लेस से, तो वंस प्लेस 10 वाला छोड़ दो, 100 प्लेस 1000 छोड़ दिया, 10,000 प्लेस, इट मींस स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड, स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड, वंस प्लेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, ये ऑड प्लेस हो गए, ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, इवन प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट जो नंबर मुझे मिलेगा वो अगर 0 है या 11 का मल्टीपल है तो नंबर पूरा पूरा 11 से डिविजिबल होगा, दैट्स क्लियर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 25 इफ इट्स लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 25, इट मींस ए नंबर इज डिविजिबल बाई 25 इफ इट्स लास्ट टू डिजिट नंबर मींस वंस एंड टेंस इज डिविजिबल बाई 25, इट मींस किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड कब कर सकते हैं, जब उसका लास्ट टू डिजिट, इट मींस लास्ट टू डिजिट क्या आएगा, वंस और टेंस, अगर वंस और टेंस प्लेस इज डिविजिबल है 25 से तो पूरा पूरा नंबर, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 25, तो वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा, दैट्स क्लियर। एक बार फिर से, कोई भी नंबर 25 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके लास्ट टू डिजिट, इट मींस वंस और टेंस डिजिट को मिला करके जो नंबर बना, अगर वो 25 से डिवाइड है तो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, 2, 2, 5, अब इसका लास्ट टू डिजिट क्या है 25, इसका मतलब ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, वंस प्लेस, और ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं पूछूं 7, 1, 5 क्या डिवाइड होगा 25 से, बोलो क्या डिविजिबल होगा, नो, बिकॉज लास्ट टू डिजिट, इट मींस वंस प्लेस और टेंस प्लेस को मिलाकर 15 बनता है, नहीं होगा। नेक्स्ट और भी मैं बोल सकता हूं 3, 8, 75 क्या 25 से हो जाएगा, तो लास्ट टू डिजिट यस हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल देख लो 1050 क्या 25 से डिवाइड होगा, लास्ट टू डिजिट
50 25 के टेबल में आता है, यस 25 पूछा, तो 25 से डिविजिबल रूल क्या है, इफ वंस प्लेस और टेंस प्लेस, एक बार रिवाइज में फिर से करूंगा, 2 से डिवाइड क्या होगा, जिसके यूनिट प्लेस के इवन नंबर होगा, ओके, 3 से डिवाइड क्या होगा, सभी डिजिट को ऐड करो, सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर किसी नंबर में सभी डिजिट को ऐड कर लें, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिविजिबल रूल क्या है, 4 से डिविजिबल रूल है कि सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी रूल की बताया है मैंने, इफ वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर इवन होना चाहिए और उसकी सभी डिजिट का प्लस 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है इट मींस 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। 6 के बाद 7 की डिविजिबिलिटी रूल बता दी, 8 की डिविजिबिलिटी रूल बता दी, 9 की, 10 की, 11 की एंड लास्ट में 25, हेंस डिविजिबिलिटी रूल इज कंप्लीट। वॉचिंग माई YouTube वीडियोस टिल लास्ट एंड लाइक माई चैनल एंड कमेंट मी।